हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट राइट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बड़े ही होंगे। तो इंट्रो देख के तो आप समझ ही होंगे। तो फाइनली अपनी NS 125 में भी वो सारे अपग्रेड आ चुके हैं जो कि NS 160 और NS 200 में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बजाज के शोरूम के लिए एंड चेक करेंगे कि हमारी NS 125 में क्या क्या अपग्रेड मिले हैं हमारी NS 200 से एंड क्या इसकी ऑन रोड प्राइस होने वाली है इन सारे अपग्रेड के बाद। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना ताकि आपको सारी डिटेल में पता लग पाए। तो मिलते हैं आपको सीधा शोरूम पर। तो ये है हमारी NS 125 न्यू अपग्रेड के साथ में ऑरेंज कलर में। एंड देन आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि NS 125 और जो इसका फुली डिजिटल मेटल कंसोल आपको देखने के लिए मिलने वाला है पहली बार NS 125 में। तो ये अपग्रेड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। एंड देन आपको जो जो इसमें नोटिफिकेशन और जो जो इसमें अपग्रेड है वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है रिफ्यूल का ऑप्शन और यहाँ पे स्पीडोमीटर। एंड देन यहाँ पे आपको मिलने वाला है RPM मीटर और टाइम देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गियर इंडिकेशन एंड साइड स्टैंड इंडिकेशन। और साइड में आपको देखने को मिलने वाला है फ्यूल इंगेज। और इस साइड में आप देख पाएंगे तो ऑडोमीटर और ट्रिपोमीटर देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ से कंट्रोल ईजिली कर सकते हैं। और इसमें आपको मिलने वाला है अब रियल टाइम माइलेज और आपकी जो रेंज है वो भी आप इसमें देख सकते हैं इजीली। एंड बात करते हैं हम नेक्स्ट बड़े अपडेट की जो कि NS 125 में आपको पहली बार देखने के लिए मिलने वाला है। वो है इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जिससे कि आप कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, सारी नोटिफिकेशन इसमें देख सकते हैं। एंड बट आपको जो NS 160 या NS 200 में GPS नेविगेशन देखने के लिए मिल रहा था वो आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। वो आपको देखने को मिलेगा NS 160 एंड NS 200 में देखने के लिए। एंड बात करते हैं इसमें आगे, तो यहाँ पर आपको इंजन चेक लाइट और यहाँ पर टर्न इंडिकेशन लाइट देखने के लिए एंड यहाँ पर गियर न्यूट्रल इंडिकेशन देखने के लिए मिलने वाला है। और हाई बीम लो बीम की आपको लाइट यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। एंड इसमें आपको देखने के मिलने वाली सर्विस रिमेंबर लाइट जो कि यहाँ पे होने वाली है। एंड कंपनी क्लेम करती है कि आपको 50 से 55 का माइलेज इजिली दे देगी। एंड ये बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलने वाली स्विच इंडिकेशन लाइट जो कि 3 कलर में होने वाली है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन में। एंड बात करते हैं हम अगले अपडेट की, तो अब इसमें आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं क्योंकि कंपनी इसमें USB चार्जिंग पोर्ट भी दे दिया है जो कि कैप से ढका हुआ है ताकि आपका वाटर प्रूफ रहे, ताकि इसमें पानी ना जा पाए। और बात करते हैं हैंडल की, तो ये अपने में वही पुराना NS 125 का क्लिप और हैंडल बार देखने के लिए मिलने वाला है। और बात करते हैं इसकी हम स्विच असेंबली की, तो यहाँ पे आपको NS 160 और NS 200 थ्रो बटन नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको मिलेगा क्लिप स्विच और यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट देखने के लिए मिलेगा। एंड बात करते हैं हम लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में आपको चेंज देखने के लिए मिलने वाला है। ऊपर में आपको देखने को मिलेगी पासिंग लाइट और इसका थ्रो पहले से अच्छा कर दिया गया है। और बात करते हैं ये बटन आपको मोड के लिए देखने के लिए मिलेगा और ये बटन आपको राइट एंड लेफ्ट इंडिकेशन के लिए। एंड नीचे आपको हॉर्न का बटन एंड क्लच आपके लिए पहले जैसा ही देखने के लिए मिलेगा। एंड मिरर भी आपको पहले जैसे ही देखने के लिए मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। और इसमें E20 एथेनॉल अपडेट तो आपको आप हर किसी बाइक में देखने के लिए मिल ही रहा है। और बात करते हैं इसकी टैंक कैपेसिटी की, तो टैंक कैपेसिटी आपको 12 लीटर की देखने मिलेगी और यहाँ पे आपको टैंक पैड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे वही पल्सर की पुरानी बैजिंग के साथ आपको 3D में। और नीचे में आपको NS 125 का स्टिकर देखने के लिए मिलेगा। और बात करते हैं हम आगे की साइड में, तो आगे की साइड में एक चीज़ हमें बहुत बेकार लगी जो कि अभी भी अपग्रेड नहीं करें, वो है इंडिकेटर। वो है अभी आपको हैलोजन ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। और बात करते हैं इसके हेडलाइट की, तो हेडलाइट आपको पूरी चेंज देखने को मिलेगी। वह स्टार्ट करके देखते हैं, तो ये आपको देखने मिलने वाली है फुली LED में। तो आपको साइड में देखने के लिए मिलने वाले हैं DRR, ये कुछ यूनिक से इलेक्ट्रिक टाइप जैसे लग रहे हैं। आप साइड से भी देखेंगे तो कुछ यूनिक ही लुक आपको देखने के लिए मिलने वाला है साइड बाय साइड अगर देखते हैं। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके हेडलाइट के पोर्शन में, ये भी आपको पूरा चेंज देखने के लिए मिलने वाला है। एंड जो ऊपर वाली लाइट है ये आपको लो बीम के लिए देखने के लिए मिलेगी और नीचे वाली जो लाइट है ये आपको हाई बीम के लिए देखने के लिए मिलेगी। और जो इसकी विजिबिलिटी होने वाली रात में वो एक नंबर होने वाली है भाई साहब। और लुक अगर आप रात को इसमें देखेंगे तो क्या ही यूनिक लुक देखने के लिए आपको मिलने वाला है। एंड बात करें हम इसके आगे में, तो ये आपको साइड में आपको देखने मिलेगी वही ऑरेंज सी ग्राफिक्स एंड साइड में ब्लैक। एंड जो इसमें अपडेट है वो है आपको देख पाएंगे हम नीचे साइड में, आपको जो पार्किंग बल्ब देखने के लिए मिलते थे वो आप नहीं मिलेंगे देखने के लिए। तो आगे बात करते हैं हम इसकी वाइजर की, तो वाइजर में आपको वही डुअल टोन वाइजर ट्रांसपेरेंट वाला देखने के लिए मिलने वाला है। तो आगे में आप थोड़ा आपको यूनिक लुक देखने के लिए मिलने वाला है। और बात करते हैं हम पीछे में, तो पीछे में आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुना देते हैं। बात कर लेते हैं हम पीछे साइड की, तो पीछे साइड में आपको टेल लाइट जो मिलेगी वो फुल LED में मिलेगी, कुछ स्प्लिट टाइप की देखने के लिए मिलेगी आपको। और बात करते हैं इंडिकेटर की, तो ये आपको वही हेलोजन देखने के लिए मिलने वाले हैं। और बात करते हैं हम इसके हैंडल में आ गई ये इस लाइट की जो कि आपको ब्लू कलर में देखने के लिए मिलने वाली है, तो ये कुछ इंडिकेट करती है स्विच के लिए। और बात करते हैं हम इसमें आगे, तो बाद में आपको देखने के मिलेगा फ्यूल इंगेज जो कि
पहले कार्बोरेटर था, और ये आपको चेसी देखने के लिए मिलेगी जो कि सेम वही है। एंड बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट की, तो जो इसमें किक मिलती है आपको, तो ये 125 सीसी में आपको किक देखने के लिए मिलेगी इसमें, जो कि राइडर में नहीं मिलती है। एंड किक यूज़ करने के लिए आपको पहले फुटरेस्ट पीछे करने पड़ेंगे, देन आप किक यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज आप किक यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये हमारे रियर ब्रेक के लिए। एंड 179 का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलने वाला है। एंड ये हमारा इंजन गार्ड जो कि आपको डुअल टोन कलर में देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि फाइबर बॉडी के साथ में होने वाला है। और यहाँ पर आपको ऑयल फिल्टर असेंबली देखने को मिलेगी, और ये बजाज का नॉन डिटसा इंजन है, और ये क्रैश गार्ड यहाँ पे, और ये आपका एयर कूल इंजन है जो कि हवा से ठंडा होगा, लिक्विड कूल नहीं है। और यहाँ पे आपको कैटलेटिक कन्वर्टर और ये ऑक्सीजन पाइप देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके बिल्कुल न्यू इंजन के बारे में, जो कि 124.45 सीसी का 4 स्टॉक SOSC 4 वॉल एयर कूल FIBC इंजन होने वाला है, जो कि 11.99 PS की मैक्स पावर जनरेट करेगा 8500 RPM पे, 11 NM का मैक्स टॉर्क जनरेट करेगा 7000 RPM पे। तो एज कम्पेयर टू राइडर 3 वॉल इंजन आपको मिलता है उसमें, और इसमें आपको 4 वॉल इंजन देखने के लिए मिलेगा। और बात करते हैं इसमें आगे में, तो फ्रंट में आपको 33 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिलने वाले हैं। और बात करते हैं इसके मडगार्ड की, तो जो कि इसमें आपको ब्लैक कलर में कुछ ग्राफिक्स देखने को मिलेगी कार्बन फाइबर की, और साइड में आपको पूरा प्लेन मिलेगा, और इसमें आपको ABS की बैजिंग नहीं देखने मिलेगी, उसमें ABS नहीं है। और फ्रंट का जो राउटर है वो आपको 240 mm का देखने मिलेगा, जो कि नॉन ABS है। और बात करते हैं इसकी जो आपकी रिम है, तो रिम आपकी टायर जो आएगा इसमें 80x100x17 का देखने मिलेगा, और 17 inch की आपकी अलॉय व्हील है जो कि ग्रे कलर में, और स्ट्रिप आपको इसमें ऑरेंज कलर की देखने के मिलेगी। और बात करते हैं इसकी ग्रिप की, तो वो थोड़ी अच्छी है, बेटर है। और बात करते हैं इसमें बैक में, तो बैक में आपको यहाँ पे पिलियन के फुटर देखने के लिए मिलेंगे। और बात करते हैं इसमें सस्पेंशन की, तो इसमें आपको मोनोसोक सस्पेंशन मिलेंगे नाइट्रो के। और बात करते हैं इसमें रियर में, तो रियर में आपको 190x17 का आपको रियर टायर देखने के लिए मिलेगा। और बात करते हैं इसके टायर की, तो टायर की आपकी ग्रिप भी पीछे की बढ़िया है। और बात करते हैं इसमें टायर अगर देखने के लिए मिलने वाला है, और बात करते हैं हम इसके रियर की ड्रम ब्रेक की, तो ये आपको 130 mm का रियर का ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलने वाला है। तो कंपनी की तरफ से कोई डिस्क ब्रेक वाला वेरियंट आपको देखने नहीं मिलेगा। बात करते हैं इसके स्विंग आर्म की, तो ये आपको बॉक्सी टाइप में देखने के लिए मिला है, और यहाँ पर आपको मड फ्लैप देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके कॉल की, तो कॉल में आपको थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा व्हाइट और मैट कलर का देखने के लिए मिलेगा ब्लैक में। और तो यहाँ पे 125 की बैजिंग एंड पिलियन की सीट और राइडिंग की सीट में आपको थोड़ा सा कुशनिंग ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाली है एज कम्पेयर टू पुरानी वाली NS। और पीछे में आपको देखने मिलेंगे ग्रिप हैंडल जो कि स्पीड लुक में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और पीछे से आपकी टेल टाइडी वो सब वही पुराने लुक में देखने मिलने वाला है। और बात करते हैं हम इसकी सीट हाइट की, तो ये आपको 805 mm की सीट हाइट मिलने वाली है, और 144 kg उसका वेट मिलने वाला है। और बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो आपको प्राइस पड़ने वाली है एक्स शोरूम इसकी 1,08,416 रुपये, और ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है आपकी 1,29,712 रुपये। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना, ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको ऐसे किसी नए ब्लॉग में, जब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।